तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आरटीपीसीआर के लिए लाइन है। अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट है वो बोर्ड करनी है तो आपको आरटीपीसीआर नेगेटिव चाहिए ही चाहिए, जो कोविड टेस्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ से आपको चार जो बारकोड है वो दिया जाएगा और एक बारकोड है वो आपके पेपर में दिया जाएगा। यहाँ पर आपको कोविड के लिए सैंपल प्रोवाइड करना है, जिसमें सबसे पहले आपके मुँह में से स्लाइवा लेंगे और उसके बाद आपका नोज़ है उसमें से सैंपल लेंगे। दोनों सैंपल कलेक्ट करके आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और उस फॉर्म में लिखा हुआ होगा सैंपल गिवन। तो आपको जो सैंपल गिवन वाला फॉर्म मिलता है उसमें एक बारकोड स्टिकर रहता है, उस बारकोड स्टिकर में आपका पूरा नाम, फुल नेम लिखा हुआ होता है, डेट लिखी हुई होती है, टाइम लिखा हुआ होता है और आपकी एज है वो मेंशन की गई है। अगर आप डेस्क पे जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भैया आपकी फ़्लाइट कितने बजे है, आपकी फ़्लाइट कौन सी है, आपकी कितने बजे है और डायरेक्टली आप कौन सी फ़्लाइट में जाने वाले हैं। तो आई थिंक ये अभी लाइन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 5 to 10 minutes लगता है और आरटीपीसीआर आपका कंप्लीट हो जाता है। और अप्रोक्सीमेटली अगर आपको आरटीपीसीआर चाहिए तो वो आ जाता है अराउंड 7 to 8 hours, और आप रैपिड पीसीआर कराएंगे तो वो अराउंड 1 hour में आ जाता है। तो आई थिंक वहाँ पे कोई ऐसा रश नहीं है आरटीपीसीआर के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको डिफरेंट कंट्री में जाना है तो सबके सेपरेट डेस्क रहते हैं, जहाँ पे आप अपना आरटीपीसीआर है वो इजीली और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे फैसिलिटी है जो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इजीली आप अपना आरटीपीसीआर कर सकते हैं, रैपिड पीसीआर भी कर सकते हैं, इंस्टेंट सारी की सारी प्रोसीजर है और प्लस यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो भी काफ़ी जगह पे चिपकाई हुई होती है। आपको सिर्फ पढ़ना है, सारा का सारा डायरेक्शन है वो भी वहाँ पे मेंशन किया गया है, कैसे जाना है, कहाँ पे आरटीपीसीआर आप करवा सकते हैं, कहाँ पे रैपिड एंटीजन और आप कह सकते हैं रैपिड पीसीआर आपके टेस्ट करवाना है तो कहाँ पे करवा सकते हैं। तो ऐसी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड की गई है। अगर आपको मालूम नहीं रहता है कहाँ पर जाना है तो आप इजीली किसी को पूछ भी सकते हैं कि भैया यहाँ पर रैपिड पीसीआर कहाँ पर होता है, तो आप इजीली कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं।